तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। और आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो में। और आज के दिन हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। और माइनक्राफ्ट के अंदर हम हैं हमारे सर्वाइवल सीरीज वाले वर्ल्ड के अंदर, जैसा आप देख सकते हो। तो ये है हमारा पार्ट टू। पार्ट वन में जो है हम लोग ने अपना मॉडर्न हाउस का जो पार्ट वन था उसमें हमने मॉडर्न हाउस बनाना चालू किया था, तो वो आधा ही बना था। तो इस बार ये पार्ट टू है, उसका हम पूरा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, फ्री है करना ही तो बस सब्सक्राइब तो कर देना। तो अभी हमको घर बनाने का यही है हमारा टास्क। तो लेकिन उससे पहले अपना हंगर वार फुल कर लेते हैं। इसमें है क्या फूड? नहीं, इसमें तो नहीं है। इसमें होगा शायद से, हाँ इसमें ही है। सारा स्टोरेज ऐसी ज़मीन में बिखरा पड़ा है, मैंने ऐसे ही रखा है क्योंकि अभी तो घर नहीं है, घर तो बनाना पड़ेगा हमको। तो फटाफट से जो है हंगर बार बढ़ा लिया है। अब जो है हमको घर का काम करने का है। तो आपको मैं बताता हूँ, इतना जो है हमको घर बनाने का है, अभी इतना घर बनाना हमारा बाकी है। और इतना घर जो है हमारा पिछले पार्ट में बन चुका था, तो फटाफट से इधर का घर बनाना चालू करते हैं। तो हमको 7 ब्लॉक पीछे के लिए लाना है कुछ इस तरह से, 4 ब्लॉक का गैप छोड़ने का। एक सेकेंड गिन लेता हूँ यहाँ पर भी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ ये बराबर है। 1 ब्लॉक का इधर भी गैप छोड़ना है और फिर 7 ब्लॉक पीछे के लिए लेके जाना है। और पीछे लेके जाने के बाद हमको जो है अटैच कर देना है एक दूसरे से। तो फटाफट से जो है अटैच कर लेता हूँ। अरे हो जा, अरे आगे जाना पड़ता है यार, दूर से तो हो ही नहीं सकता इस गेम में कुछ भी। तो फटाफट से अटैच करते हैं। अब इसके अंदर सिंपल से हमको फूड भर देना है, बस इतना ही काम है। और आगे का दूसरा काम है, तो फिर से हमको इसके ऊपर आ जाना है और 4 ब्लॉक का गैप छोड़ के ऊपर के लिए इस तरह से लगाने का है। और बस फिर से इसको वही प्रोसेस में करना है बस। अब हमको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद जो है हमको फेंसिंग करने का है, फार्म बनेगा यहाँ पे हम लोग का। तो पूरा फेंस लगाना है कुछ इस तरह से, ये जो 1 2 और नीचे के लिए ये 3, ऐसे ही हमको चारों तरफ करना है और पूरा फेंस से कवर कर देना है। तो इस तरह से पूरा फेंस से कवर कर दिया है। अब 2 जगह गेट लगा दे रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास 2 गेट है फेंस के, तो मैंने 2 लगा दिया। तो बस उतना ही था। अब हमको जो काम है ऊपर के लिए है, हमको अपने लेफ्ट साइड के लिए ना एक दीवार बनाना है। राइट साइड के लिए तो पहले से ही एक दीवार है, तो लेफ्ट में भी बनाना है। और बाकी फ्रंट और बैक में जो है ना ग्लास पेन आ जाएगा हम लोग का, ताकि घर थोड़ा खुला खुला दिखे, सन लाइट आए, हवा 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 तो नहीं आएगा लेकिन खुला खुला हो। तो अभी ग्लास पेन लगाते हैं, फटाफट से ग्लास पेन लगाते हैं। इतना ग्लास पेन कम पड़ जाएगा मेरे लिए, मेरे को चेस्ट से लाना पड़ेगा। मेरे पास है शायद से थोड़े ग्लास पेन, तो उससे मैं बना लूँगा एक स्टैक, क्योंकि इनफ ग्लास पेन है। मेरे ख्याल से 40 ग्लास पेन है मेरे पास। तो देखते जाके ये लो ख़त्म हो गया। ऐसे ही बैक और फ्रंट को पूरा कवर कर देना है। तो चलते फटाफट ग्लास पेन लेने के लिए, कुछ ज़्यादा ही लेट है, मैंने कर दिया ग्लास। अरे इसको नहीं खोलना, चेस्ट को खोलना है। हाँ ये रहा ग्लास, अब इसको हम ग्लास पेन में कन्वर्ट करना है। एक स्टैक बन जाएगा शायद से, हाँ एक स्टैक ही बनाते हैं। हाँ इतना ठीक है, बाकी के ग्लास रख देते हैं। कितना ग्लास बचा है हम लोग के पास, क्या पता कितना बचा है। तो इस तरह से पूरा कवर कर देना है। अब MLG मारते एक, प्लीज़ हो जाइए। हो गया यार, मैं तो MLG प्रो हूँ, ऐसे मत समझना। तो बाकी हमारे घर का जो है एक्सटीरियर है वो हो चुका है पूरा कंप्लीट। बस इधर जो है हमको कबलस्टोन लगाना बाकी रह गया था, जो वुडन का है ना उसके साथ ही ऐसे लगा देना है। और यही सेम टू सेम ना हमको पीछे भी करने का है। तो पीछे करने के बाद हम लोग के घर का पूरा एकदम से एक्सटीरियर कंप्लीट हो गया। अब बाकी बारी आती है इंटीरियर की। तो पहले फटाफट से यहाँ पर 2 ब्लॉक लगाते, पानी डाल के इसके ऊपर चढ़ते फटाफट से। देखो मैंने बकेट और पानी इसके लिए लिया है, यही सबके लिए काम आता है, नहीं तो फिर ब्लॉक लगाओ तोड़ो कौन करता हो ना। तो फटाफट से जो है प्लेटफॉर्म बना लेते हैं अपना। तो प्लेटफॉर्म बनने के बाद हमको ना फ्रंट साइड के लिए 4 ब्लॉक्स का छेद करना है, दूसरे रूम में हम जा सके, किधर भी कर सकते हो आप, लेकिन दूसरे रूम में जा सके उतना ही करना है। और नीचे के 2 ब्लॉक भी तोड़ने हैं, ताकि यहाँ पे वुड लगा सकते हैं, लेकिन वुड के बीच में कॉबलस्टोन अच्छा नहीं दिखेगा ना, उसके लिए इस तरह से वुड लगाना है और 2 डोर लगा देने कुछ इस तरह से। तो हम दूसरे रूम में आसानी से जा सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं। और फिर 4 ब्लॉक खोदना है हमको कुछ इस तरह से, खोदना है तोड़ना है कुछ भी बोल सकते हैं। और MLG फिर से एकदम कन्फर्म हो चुकी है। तो 4 ब्लॉक खोद लिया है, तोड़ लिया है सॉरी। अब स्टेयर्स लगाना है कुछ इस तरह से, यहाँ पर एक स्टेयर्स, यहाँ पे एक स्टेयर,
यहाँ पे एक स्टेयर, अरे यार टेढ़ा नहीं लगना, अरे स्टेयर्स का यही प्रॉब्लम रहता हमेशा, इधर से लगाओ फिर भी उधर लग जाती है, अभी लग जाइए, हाँ लग गया अच्छे से, अभी यहाँ पे एक, तो अब ऊपर जा सकते हैं, लेकिन इसको और डिज़ाइनिंग करने के लिए इसके नीचे मेरे पास एक प्लान है, तो यहाँ पे भी लगा देते ताकि थोड़ा अच्छा दिखे, नहीं तो फिर आज अलग ही दिख रहा था। तो अब आराम से ऊपर भी जा सकते हैं और दूसरे रूम में भी जा सकता है आसानी से। बाकी हमारा पूरा घर कंप्लीट हो चुका है, बस उसके अंदर थोड़ी सी डेकोरेशन का चाहिए और ये सब स्टोरेज अंदर लेके जाना है। तो फटाफट से अब मेरा जितना सामान है चेस्ट में रखता हूँ, चेस्ट तोड़ के एक एक करके अंदर लेके आता हूँ। तो फाइनली सारा सामान ले दिया है, बस ये आर्मर बाकी है और फाइनली पूरा घर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब ये चेस्ट को कहाँ रखूँ, एक सेकेंड, यहाँ पे तो खाली इसके बाजू में ही रख देता हूँ, जो भी कीमती सामान रहेगा इधर ही रहेगा, मेरे को भूख भी लगता है, खाना खा लेता हूँ नीचे जाके फटाफट। तो आज के दिन हम लोग ने पूरा अपना घर मॉडर्न हाउस बना लिया है, वो छोटे छोटे से घर में रखे मैं तंग आ चुका था, इधर जाओ उधर जाओ, इतना टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बना दिया था मैंने। तो फाइनली एक अच्छा सा मॉडर्न हाउस बना लिया है हमने, और बाकी बाकी आगे भी हम बनाते रहेंगे। मेरा प्लान है अगले वीडियो में ट्री हाउस बनाने का, तो देखा जाएगा। तो लेकिन उससे पहले फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फ्री है, बस आपको क्लिक करना है। स्टार्टिंग में भी मैंने यही बोला था, तो इतना तो कर ही सकते हो आप लोग। बाकी मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।